दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मेजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। रिसेंटली मेजागन डॉक के क्वार्टर वन के रिजल्ट यहां पर निकल कर आ चुके हैं, तो बिना किसी देरी के नंबर्स को जानते हैं, कंपनी ने किस प्रकार के नंबर्स यहां पर प्रेजेंट किए हैं। तो सारे फिगर्स इन लैक्स में, मैं आपको सारे फिगर्स करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। तो क्वार्टर वन के अंदर कंपनी ने 2400 करोड़ रुपए की इनकम डिक्लेयर करी है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2200 करोड़ रुपए की थी। यानी कि इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। वहीं अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर वन की बात करें तो वहां पर कंपनी ने 2300 करोड़ रुपए की इनकम रिपोर्ट करी थी। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की इनकम में काफ़ी अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेजागन डॉक के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। तो 2000 करोड़ रुपए के कंपनी ने एक्सपेंसेस रिपोर्ट किए हैं क्वार्टर वन के अंदर, जो कि लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे तो 1800 करोड़ के थे। यानी कि एक्सपेंसेस क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी के बड़े हैं। वहीं अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर वन की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी के एक्सपेंसेस 2000 करोड़ के थे। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस में इतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। कर लेते हैं मेजागन डॉक के प्रॉफिट फॉर द ईयर के बारे में कि कितना प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो क्वार्टर वन के अंदर कंपनी ने 286 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 296 करोड़ रुपए का था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में 10 करोड़ की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में कंपनी ने 217 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि बढ़कर 286 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो काफी अच्छी जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। इसी का असर आपको कंपनी के अर्निंग पर शेयर रेशो के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। कंपनी का ईपीएस भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छी जंप है। रिजल्ट ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्लाइटली गिरावट देखने को मिली है, जिसका असर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज रिजल्ट काफ़ी अच्छे प्रेजेंट किए हैं कंपनी ने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।